छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को मानव तस्करी का बड़ा ग्राफ माना जाता था, पर अब जशपुर पुलिस विभाग की सूझबूझ से मानव तस्करी में कमी देखी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा लगातार ग्रामीण इलाके में लोगों को मानव तस्करी जैसे बड़े अपराध से बचने और जागरूक करने का काम जशपुर पुलिस कर रही है। जिले के पत्थल गांव, बाग बहार, फरसा बहार, तुमला के इलाके में मानव तस्करी के कई केस सामने आते थे, पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस मानव तस्करी को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों को इस अभियान के माध्यम से बताया जा रहा है कि मानव तस्करी करने वाले दलालों की बातों में गांव के लोग बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे के लालच कोई देता है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ले जाने की बात करता है तो पुलिस को सबसे पहले बताएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि गांव के भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का लालच देकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों के बड़े शहरों में ले जाकर बेच देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि जशपुर जिले के लोग मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे दलालों पर अब पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। बात करें तो जशपुर जिले में पिछले साल की अपेक्षा अब जिले में मानव तस्करी जैसे अपराध कम हो रहे हैं। पुलिस की जन जागरूकता अभियान के चलते मानव तस्करी में कमी देखी जा रही है। जशपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आए दिन यहाँ मानव तस्करी देखने को मिलता है। यहाँ के भोले भाले ग्रामीण चंद पैसों की वजह से दलालों के बहकावे में आकर बड़े शहरों का रुख करते हैं, वो मानव तस्करी का शिकार होते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तस्करी जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत कमी हुई है।